दोस्तों, इस ब्लॉग को हम एंड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ब्लॉग मेरे दिल के बहुत ही करीब है और इस वीडियो को बने एक हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो को अब डालना सही होगा क्योंकि ये वीडियो अधूरी रह गई थी किसी एक वजह से। क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी और उस टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही कैमरे की बैटरी थी, तो अगले दिन जैसे तैसे करके मैंने दूसरी बैटरी ले ली दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस ब्लॉग में ऐसा क्या है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप और आपके कुछ फ्रेंड ऐसी शांत जगह जाना चाहते हो जहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम स्ट्रेस हो वो एकदम ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसी मेमोरी कलेक्ट करना चाह रहे हो, मतलब कि आप हों, आपके फ्रेंड्स हों और कुछ ऐसी जगह जाके आप नाइट स्टे करें वगैरह वगैरह, जो भी आप चाहते हो करना, तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग में कुछ सीन ऐसा ही है क्योंकि हम और मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे हम पूरी आज नाइट स्टे करेंगे। आज सैटरडे है क्योंकि सैटरडे और संडे ही मॉर्निंग को वहाँ से वापस निकलेंगे और अभी फिलहाल शाम के 5 बज रहे और मुझको 7 बजे जाना, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ दोस्तों, ये ब्लॉग मैं 5 ही बजे कर रहा हूँ, तो 2 घंटे बाद मुझे निकलना है दोस्त के हॉस्टल जहाँ पे सब फ्रेंड कलेक्ट होंगे दोस्तों, एक साथ होंगे, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे फ्रेंड के घर। तो चलते हैं सीधा हम फ्रेंड के हॉस्टल दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। हे गाइस, तो हम शाहिद के आ गए दोस्तों। तो फिलहाल अभी आप पीछे देख रहे हैं शाहिद का ये पूरा दोस्तों है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाए, लाइट लगाए तो लाइटनिंग बहुत कम है दोस्तों। और फिलहाल ये देख रहे हैं हमारा खाना पीना सब है इधर सब दोस्तों, हम आटा वाटा रोटी वोटी बनाएंगे और हमने फिलहाल क्योंकि सब्जी कुछ बनाने को थे तो हमने बाहर से ऑर्डर करके मंगाई दोस्तों, कढ़ाई पनीर और हांडी पनीर दोनों मंगाई हुई है। तो फिलहाल अभी हम लोग गैस का जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि गैस वैस कोई कुछ नहीं लेके आया, तो हम लोग सब रस्ते में से लिए थे। तो फिलहाल अभी सब आते हैं ऊपर, उसके बाद हम बनाएंगे रोटी, रोटी के बाद बनाने के बाद खाना ना खाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे पार्टी। तो चलिए देखते हैं, रोटी बनाते हैं उसके बाद फिर दोस्तों देखते हैं पार्टी वगैरह। तो फाइनली गाइस, हमारी सब्जी सब तैयार हो गई, रोटी वोटी ये फाइनल टचअप है, ये देख लो लड़का, और रोटी में घी भी सब लग गई है, ऐसे कर प्लेट डेट लग रहा है, अब खाना ना खाएंगे उसके बाद फिर एंजॉय एंजॉय करेंगे। देख चलिए, बहुत तेज भूख लगी है, अभी 12 बज गए रात के, बहुत तेज भूख लगी हुई है। गाइस, उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ मेरे अंदर जितनी भी टेंशन जितनी भी स्ट्रेस थी फ्यूचर को लेके, एजुकेशन को लेके, मेरी स्टडी को लेके और फैमिली को लेके, उस दिन मुझे लगा, उस पल मुझे लगा मेरे दोस्तों के साथ कि ये तो मेरे पास है ही नहीं कुछ जब मेरे पास ये दोस्त हैं। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, कुछ दोस्त ये होते हैं जो हमको दोस्ती का मतलब बताते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, आई लव यू टू ऑल गाइस हु सपोर्ट्स मी। पर उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि काश ये रात इतनी थमी रहे, बस ऐसे ज़िंदगी चलती रहे, पर हम सब जानते हैं हर एक रात के बाद एक उजाला आता है और वो हम पर डिपेंड करता है कि वो दिन कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे एक्शन पर डिपेंड करता है। सो गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास इतने सपोर्टिंग फ्रेंड्स हैं, कुछ ही फ्रेंड है पर सपोर्टिंग है दोस्तों। सो लव यू गाइस, आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स राइट नाउ। सो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फैन आउट। हमारे ब्लॉगर साहब ये देख रहे हैं रोटी बना रहे हैं कुछ भी, लेकिन ये सेक रहे हैं रोटी। तो ये देखिए, हमारे वर्कर